हेलो। वैसे तो मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, बट मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए। मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा देसी भारत का। मिस्टर धर्म दुबे जी इंटरव्यू ले रहे थे हमारी पाखी जी का। वैसे धर्म को पता नहीं है कि पाखी हूँ या मैं हूँ या रिंकू घोष हूँ या और भी जो हमारी जो सीनियर एक्ट्रेसेस रही हैं, हम सब में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। मैंने उस इंटरव्यू में एक बात नोटिस की। अक्सर मैं देखती हूँ कि धर्म जो है वो हमेशा आग लगाने वाला काम करते हैं। ऐसा उठपटान सा सवाल करेंगे जिसका ना टांग है, ना पैर है, ना सर है, कुछ नहीं है। खैर, उन्होंने सवाल किया कि पाखी से कि कुछ हीरोइनें आपके काम से खुश नहीं हैं। रानी चैटर्जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं दादी माँ का रोल नहीं करती क्योंकि मैं अभी भी हीरोइन लगती हूँ। सरासर गलत है। ऐसी लाइंस में कभी किसी के लिए नहीं बोलती। धर्म, आपको अपने शब्दों पर, अपने सवाल करने के तरीके पर थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। अगर वो इंटरव्यू आपके चैनल पे हैं तो आप दिखा सकते हैं। मैंने ये कहा था कि इतनी जल्दी मैं दादी माँ का कैरेक्टर नहीं करना चाहती हूँ। वो मेरी अपनी चॉइस है और पाखी ने उसे चुना, वो उसकी चॉइस है और उसने अच्छा किया। मैंने यही कहा था, और भी कुछ कहा होगा, बट मैंने ये नहीं कहा था। धर्म दुबे जी, आपको मैं कभी इंटरव्यू दूंगी नहीं क्योंकि आप हमेशा बकवास सवाल करते हैं और लोगों के बीच झगड़ा लगाने का काम करते हैं। ये मैं आपको फोन कर करके भी बोल सकती थी, बट आप उस लायक नहीं हैं। अब इस वीडियो को भी वायरल कीजिएगा, बहुत सारे इसके साथ व्यूज पाइएगा, ठीक है? बट हम बाकियों की तरह नहीं हैं। हम जो पुरानी एक्ट्रेसेस हैं, हम सब में बहुत बॉन्डिंग है। तो बकवास ना करें, प्लीज स्टॉप।